किसान आंदोलन पर प्रियंका और राहुल गांधी का हल्ला बोल, हिरासत में कई कांग्रेस नेता। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों, एक हफ्ते बाद आए आइसोलेशन से बाहर, अब नहीं है कोई भी कोविड लक्षण। ईडी ने पूर्व पीडीपी विधायक के आवास से जब्त किए 28 लाख रुपए। मुंबई पोर्क जिलेटिन के कारण उलेमाओं ने कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाने का किया फैसला। ग्रेटर नोएडा प्रॉपर्टी विवाद में हुआ वकील का कत्ल। दिल्ली 2021 में मिलेगी हेल्थ कार्ड सुविधा, सीएम केजरीवाल ने दिए वेंडर चयन के निर्देश। चीन भी लगाएगा ब्रिटेन से आने जाने वाली उड़ानों पर रोक। बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर हुआ राजीव शुक्ला के नाम का ऐलान। शुभेंदु अधिकारी बोले, बंगाल में साफ नजर आ रही मोदी लहर। आईपीएल में 2022 से होंगी 10 टीमें, बीसीसीआई एचजीएम में लिया गया फैसला। मुंबई के मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट डीन 50 लाख ठगने के आरोप में गिरफ्तार। MPAIMIM लड़ सकती है अगले साल होने वाले निकाय चुनाव, पार्टी करवा रही सर्वे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले फिल्म निर्माता पहलाज निहालनी। दिल्ली पुलिस ने रागिनी तिवारी के खिलाफ दर्ज की शिकायत। ट्रंप का बयान, रूस और चीन के लिए उपहार है अमेरिकी रक्षा बजट। नए कोरोना स्ट्रेन के चलते मेघालय ने ब्रिटेन के यात्रियों पर लगाया प्रतिबंध। असम में महसूस किया गया भूकंप का झटका, रिएक्टर स्केल पर 3.0 रही तीव्रता। जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला में एनकाउंटर, 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। यूपी सरकार का फैसला, अब मनरेगा मजदूरों को भी मिलेगी पेंशन और आवास की सुविधा। यूपी महोबा में कोचिंग पढ़ने जा रहे एक दर्जन छात्रों को ट्रक ने कुचला, 2 की मौत, 4 की हालत गंभीर।